तो मैं ये कहूंगा कि देखिए यूनाइटेड फास्फोरस पिछले साल मेरे ख्याल से काफी खराब प्रदर्शन के कारण उसको ऊपरी लेवल से काफी पिटाई हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ यूपीएल से रिलेटेड नहीं है। आपने सही कहा कि एंटायर एग्रोकेमिकल सेक्टर में एक यू नो मंदी का माहौल था। जून का क्वार्टर देखिए, दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, ये सारे क्वार्टर में मार्केट्स बहुत डाउन था। तो अभी मेरे ख्याल से जो भी प्राइस आपको दिख रहा है वो ज्यादातर नेगेटिव्स को डिस्काउंट कर चुका है। मुझे लगता है कि अगला सीजन जब आएगा डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एग्रोकेमिकल का, यू नो अप्रैल टू सितंबर का इनका फर्स्ट हाफ जो होता है वो सीजन बहुत बढ़िया होता है। होपफुली मुझे लगता है कि इस साल का सीजन अगर अच्छा रहता है और इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट होता है तो बाउंस बैक भी मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग तरीके से होगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से बेचना नहीं चाहिए। इस लेवल से अगर किसी को कॉन्ट्रा बाय करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी यू नो क्वांटिटी एक्युमुलेट करे, क्योंकि अभी सारा मार्केट इसके अगेंस्ट है और कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबल मार्केट जैसे लैटिन अमेरिका, उसके बाद यूएस, यूरोप, यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशन आप ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक हाथ क्वार्टर के लिए शायद आपको इंतजार करना पड़े, बट अगले 6-12 महीने में आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से कम 550 एक फर्स्ट टारगेट बन सकता है जो कंफर्टेबली अचीव हो सकता है। आपके ही चैनल पे मुझे याद है पिछले हफ्ते ही हमने आपको 5 शेयर जो रेकमेंड किए थे उसमें से एक टाटा टेक्नोलॉजीज था, तभी मेरे ख्याल से 1050 का रेट था और ये ऑर्डर आई नहीं थी। लेकिन अभी ये ऑर्डर आने के बाद मुझे लग रहा है कि ऐसे अगर 2-3 और ऑर्डर आते हैं तो ईआरडी स्पेस में तो टाटा टेक्नोलॉजी का एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। ये बीएमडब्ल्यू का भी जो डेवलपमेंट है बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में ये बहुत बड़ा काम करेंगे और बीएमडब्ल्यू एक वेल नोन प्रीमियम यू नो कार मैन्युफैक्चरर है। तो डेफिनेटली इसका अर्निंग्स इंपैक्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से एट दिस लेवल ऑल्सो अगर किसी को लंबा नजरिया से खरीदना है 1080-1090 तो इसमें भी वैल्यू अच्छी बन सकती है। हमारे हिसाब से कम 1300-1350 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बनता है, बट करीबन 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेश का एक मौका आपको देखना चाहिए। तो डेफिनेटली यू नो मोमेंटम तो पॉजिटिव है, बट मुझे लग रहा है कि अगले साल दैट इज FY25 में अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है, नए ऑर्डर्स आते हैं तो इसमें रीरेट करने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो यहाँ पे निवेशित रहे। मेरे ख्याल से डिम्पी प्री डिसीजन तो जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए बारिश के पहले इन्होंने एक सीमेंट के कीमतें बढ़ाई है तो वॉल्यूम ग्रोथ तो वैसे भी डबल डिजिट है और हमने काफी सीमेंट कंपनीज में बात की है तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट होगा, उसके ऊपर अगर प्राइस इंक्रीजेस आती है, ऑफकोर्स रीजन वाइज अलग अलग थोड़े से प्राइस में डिफरेंस रहेगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट कंपनीज के लिए अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए मार्च और जून का जो क्वार्टर है वो शायद यू नो बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में ये थोड़ा सा इंपैक्ट आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा और सेकंड हाफ में होपफुली अक्टूबर टू मार्च का जो क्वार्टर है जहां पे यू नो कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादातर बढ़ती है, मेरे ख्याल से वहां पे भी आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सीमेंट कंपनीज स्पेसिफिकली जो बड़ी सीमेंट कंपनीज है, पैन इंडिया का ज्योग्राफिकल रीच है, वहां पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी यू नो ग्रोथ नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अंबुजा सीमेंट्स, उसके बाद ACC, अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट्स, मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादातर ये सीमेंट कंपनीज पिछले साल के हिसाब से अच्छी खासी कमाई प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं स्पेसिफिकली पेटकोक की बात करें, कोल की बात करें, तो अभी भी मैनेजेबल है और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है सीमेंट कंपनीज के लिए ओवरऑल। कि एमटार टेक्नोलॉजीज में बहुत समय के बाद एक अपटिक देखने को मिला है। पिछली बार मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स पहले की अगर हम बात करें तो नंबर्स थोड़े से उम्मीद से कम आ गए थे, लेकिन इस कंपनी की खासियत है कि न्यूक्लियर पावर और बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर है यहाँ पे ये बहुत क्रिटिकल काम करते हैं और ऐसे बहुत कम कंपनियां हैं जो ऐसे सेक्टर में काम करती है और ऑब्वियसली क्योंकि ये ऐसे सेक्टर में काम करती है इनके यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं, प्लस इनकी मोनोपोली यू नो स्टेटस होती है। तो मेरे ख्याल से मार्केट शायद आने वाले अगले एक साल की अर्निंग्स की बारे में देख रही है, क्योंकि ऑर्डर बुक अभी भी काफी स्ट्रांग है, करीबन 12-15 महीने की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर बढ़ा है ये इसलिए भी बढ़ने का कारण हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कंपनी जल्दी करने वाली है और उसी लिए मार्केट को थोड़ी सी यू नो यहाँ से बनक लगी है, बट ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग है। नजरिया अगर आपका 1-1.5 साल है तो मेरे ख्याल से यहाँ से निवेशित रहिए। देखिए ऐसी कंपनीज में जब बड़ी चाल आती है तो बहुत तेजी से यू नो स्टॉक बढ़ जाता है और ये काफी अच्छा फेवरेट वाला स्टॉक माना जाता है, तो इसमें काफी बड़े फंड्स HNI ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय और कोई गिरावट अगर मिलती है तो खरीदने के मौके आपको ढूंढने चाहिए।
स्ट्रेटेजिक स्टेक या कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पे हो, बट मुझे लग रहा है कि देखिए फंडामेंटल्स तो ये कंपनी के काफी अच्छे हैं और सिगरेट बिजनेस में हम जानते हैं कि गिने चुने दो तीन प्लेयर ही है। ये बिजनेस भले ही लो ग्रोथ है लेकिन जिस प्रकार के मार्जिन सिगरेट कंपनीज कमाती है काफी ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करती है और ऑब्वियसली री इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये शेयर वैसे तो बहुत इलिक्विड है कंपेयर टू ITC, यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा भी ज्यादा अगर वॉल्यूम होता है डिम्पी तो इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी आती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट एंड वॉच करिए, बट डेफिनेटली मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।